प्रत्येक बच्चा असीम ऊर्जा के साथ जन्म लेता है, पर हम उसे नष्ट कर देते हैं। तुम नहीं जानते कि तुम कैसे होते यदि तुम्हें शुरू से ही पूर्ण स्वतंत्रता दी गई होती। अगर तुम्हारी हंसी मुक्त होती, तुम्हारा प्यार मुक्त होता, तुम्हारी खुशी मुक्त होती और तुम्हारे साथ कोई हस्तक्षेप ना हुआ होता, तुम्हें विकृत नहीं किया गया होता, हेरफेर नहीं किया गया होता, मजबूर नहीं किया गया होता, कुछ खास दिशाओं में चैनलाइज नहीं किया गया होता। कोई भी बच्चा धन में रुचि नहीं रखता, क्योंकि कोई भी बच्चा मूर्ख नहीं होता। कोई भी बच्चा किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने में रुचि नहीं रखता। उसकी रुचियां कहीं अधिक प्राकृतिक होती हैं। वह फूलों में रुचि रखता है, तितलियों में रुचि रखता है, समुद्र के किनारे पड़े छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उसमें रुचि रखता है। वह तारों के नीचे नृत्य करने में, सूरज की रोशनी में नृत्य करने में, हवा में नृत्य करने में रुचि रखता है। वह पेड़ पर चढ़ने पर या पहाड़ पर चढ़ने पर रुचि रखता है। वह नदी में तैरने में या समुद्र में जाने में रुचि रखता है। उसकी रुचियां पूरी तरह अलग होती हैं, लेकिन हम उसकी सारी ऊर्जाओं को मोड़ देते हैं। हम कहते हैं पेड़ पर चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, पहाड़ पर चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, सफलता की सीढ़ी पर चढ़ो, जो एक तरह से निर्बुद्धि जीवी प्रक्रिया है। सफलता की सीढ़ी पर चढ़ो, दूसरों से अधिक धनी बनो, प्रतिस्पर्धी बनो, ईर्ष्यालु बनो, स्वामित्व रखो, लड़ो लड़ो उन चीजों के लिए जो निरर्थक है। फिर तुम अपनी खुशी खो देते हो, तुम अपनी हंसी खो देते हो, कोई इसमें आश्चर्य नहीं। फिर जीवन एक दुख स्वप्न की तरह प्रतीत होता है। एक नए और बेहतर समाज में हम बच्चों को पूर्व धारणा नहीं देंगे, उन्हें खोज का अवसर देंगे, खुद को खोजने का, किस तरह वो अपनी प्राकृतिक ऊर्जा संरक्षित कर सकें, और उन्हें प्रेरणा देंगे कि वो अपने स्वाभाविक पथ पर चल सकें।